आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलिनियर वेक्टर्स पे। कोलिनियर वेक्टर्स का ही दो पार्ट होता है, एक पैरेलल वेक्टर्स और दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये जो है कोलिनियर वेक्टर्स, ये क्या है ये आपके लिए जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे आपको सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स है। स्पेसिफिकली कहा जाएगा कि दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स है या फिर कहा जाएगा दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, और उसका आउटकम आपको बताना होगा। तो यहां पर अगर आपको पता ही ना हो कि पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। अब चलिए देख लेते हैं कोलिनियर वेक्टर्स हम कहते किसे हैं। दो वेक्टर्स या उससे भी ज्यादा हो सकता है, दो वेक्टर्स अगर एक सर्टन कंडीशन को फुलफिल करे, वो सर्टन कंडीशन क्या है कि दो वेक्टर ये एक्ट करेगा, एक्ट अलोंग, एक तो शर्त है कि अगर ये सेम लाइन में एक्ट करे, सेम लाइन, एक्ट अलोंग सेम लाइन, या फिर दूसरा शर्त है कि एक्ट अलोंग पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। सो ये समझना थोड़ा सा एलुसिव है, लेकिन अगर सेम लाइन पे एक्ट करे दो वेक्टर्स तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों कोलिनियर होंगे। हम इसी से आगे बढ़ते हुए ये भी समझेंगे कि पैरेलल लाइंस पे अगर दो वेक्टर्स एक्ट करे तो वो कैसे कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो सबसे पहले सेम लाइन वाला एग्जांपल देख लेते हैं। मान ले, एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं हम, मान ले कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस में रखा हुआ एक ब्लॉक है और इसमें फोर्स लगाया जा रहा इस डायरेक्शन में, और इसके कारण ये ब्लॉक जो है ये आगे मूव कर रहा, और ये मूव करते हुए मान ले कि यहां तक पहुंच गया, यही ब्लॉक है यहां तक पहुंच गया। तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट देखें उस पॉइंट का जिस पॉइंट में कि फोर्स एक्ट हो रहा था, वो पॉइंट यहां पर है, सो इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये यहां तक हुआ। सो फोर्स जिस लाइन में एक्ट कर रहा है ये वो लाइन है, उसी लाइन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। लेकिन वहीं पर अगर मान ले कि ब्लॉक यहां पर रखा हुआ है, आप फोर्स कुछ ऐसा लगा रहे हैं, आप इसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, एक भारी सा ब्लॉक है बहुत, और इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन चलिए इस पॉइंट से, मान ले कि कोई रस्सी बंधा हुआ है और आप उसे पुल कर रहे हैं, आप पुल कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में पुल करने के बावजूद ये बहुत भारी है मान ले, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, इस हॉराइजेंटल डायरेक्शन में ही ये डिस्प्लेस्ड होगा, ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, मान ले इतना भारी है ये स्लाइड करते हुए आगे बढ़ेगा। तो यहां पर फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही लाइन में एक्ट नहीं कर रहा है, तो यहां पर हम इन दोनों को कोलिनियर वेक्टर्स नहीं कहेंगे। इस केस में ये कोलिनियर वेक्टर्स है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, यहां पर ये नहीं है। अब चलिए ग्राफिकली देख लेते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स किस तरह के हो सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, तो एक लाइन कुछ ऐसा, यहां पर मान ले कि एक वेक्टर कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है, कुछ ऐसे ये एरो इंडिकेट कर रहा है उस वेक्टर को। एक और वेक्टर अगर ये इसी लाइन पे एक्ट करे, तो एक और वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर अगर उसी लाइन में एक्ट करे, देखिए इसका मैग्नीट्यूड कम है, ये छोटा एरो है, ये बड़ा एरो है, दैट मीन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन अगर ये दोनों सेम लाइन में एक्ट करता है तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसे नाम दे देते हैं, चलिए पहला वाला जो वेक्टर था इसे नाम दे देते हैं वेक्टर ए, और ये जो दूसरा वाला वेक्टर है इसे नाम दे देते हैं चलिए वेक्टर बी। अब चूंकि ये दोनों एक ही लाइन में एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये इस शर्त को पूरा कर रहा है, दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरा हो जाए तो कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे वो, तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है वेक्टर ए और वेक्टर बी। देखिए शर्त क्या है, इन्हें सेम लाइन में एक्ट करना है, सेम लाइन में तो ये भी एक्ट कर सकता है ऐसे, अगर यहां पर एक और वेक्टर वेक्टर सी होता है कुछ ऐसे, तो ये भी तो उसी लाइन में एक्ट कर रहा भले ही डायरेक्शन उसका ऑपोजिट हो, तो यहां पर वेक्टर सी ये भी कोलिनियर वेक्टर होगा इन दोनों के साथ। हम कह सकते कि वेक्टर ए और वेक्टर सी भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, भले ही उन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहां पर कॉन्सेप्ट आ जाता है इसका, जो दो पार्ट्स है पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इनका
तो ए और बी इन दोनों का चूंकि डायरेक्शन सेम है और एक ही लाइन में ये एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया पैरेलल वेक्टर्स। और अगर ए और सी को आप देखें या फिर बी और सी को देखें, भले ही ये दोनों एक ही लाइन में एक्ट कर रहा हो लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो गए। अब यहां से आगे बढ़ते हुए चलिए देख लेते हैं, ये जो पैरेलल लाइन में एक्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है, जिस केस में भी हम दो वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे, तो ये क्यों आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर एक ही लाइन में एक्ट करने वाला, तो सेम लाइन में एक्ट करे अगर दो वेक्टर्स तो हम कोलिनियर वेक्टर्स कहेंगे, लेकिन पैरेलल लाइंस में भी अगर एक्ट करे तो हम क्यों कोलिनियर वेक्टर कहने जाएंगे उसे? वो तो सेम लाइन है नहीं, तो फिर कोलिनियर क्यों? क्योंकि वेक्टर पढ़ते हुए हमने ये देखा था, इससे पहले हमने ये देखा था कि अगर एक वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वो वेक्टर नहीं बदलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट से अगर मैं इस वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट कर देता हूं, तो ये वेक्टर बी है, इसे मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो अब भी ये वेक्टर बी ही रहा। तो अगर मैं कहता हूं कि वेक्टर सी और वेक्टर बी ये कोलिनियर वेक्टर्स है, भले ही एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो लेकिन कोलिनियर तो है। चलिए अगर कंफ्यूजन होता है तो मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंसीडर कर लेता हूं। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो यह कहने से कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर वेक्टर्स है, तो आप इस बी के जगह इसे भी तो कंसीडर कर सकते हैं, दोनों तो सेम वेक्टर्स हैं। सेम वेक्टर क्यों है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर मैं डायरेक्शन कंसीडर करता हूं, चलिए ये नॉर्थ का डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट का डायरेक्शन हो गया, ये साउथ है और ये वेस्ट है। अगर ऐसा होता है तो वेक्टर बी को देखें, इसका लेंथ और यहां पर इस वेक्टर बी का लेंथ देखें, दोनों सेम होगा क्योंकि उसी को हमने कॉपी करके यहां लाया था, पैरेलली शिफ्ट किया था, तो दोनों का लेंथ तो सेम है, इसी वेक्टर को यहां शिफ्ट किया गया तो लेंथ सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स का। अब पैरेलली शिफ्ट करने से डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा, ये भी ईस्ट के डायरेक्शन में है और ये वेक्टर भी ईस्ट के डायरेक्शन में है, ईस्ट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा, दैट मीन इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, इसीलिए दोनों सेम वेक्टर्स हैं। सो इस लॉजिक से हम यहां से कह सकते हैं कि ए वेक्टर ए अगर वेक्टर बी के साथ कोलिनियर वेक्टर होता है, ये दोनों अगर कोलिनियर है, तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ यही वेक्टर बी नहीं है, इसे शिफ्ट करने से वो वेक्टर बी ही रहेगा, तो अब हम कहेंगे ये दोनों भी कोलिनियर वेक्टर्स है। अगर हम ऐसा नहीं कहते हैं, अगर इसे इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। आप पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, वेक्टर वही रहेगा, लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे उसे कोलिनियर कहना है या नहीं कहना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसा माना गया है कि अगर पैरेलल लाइंस में भी दो वेक्टर्स एक्ट करें तो भी वो कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कुछ ऐसा। अब ये जो लाइन है प्रीवियस लाइन के साथ पैरेलल होगा, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि वेक्टर बी को हमने पैरेलली शिफ्ट किया था। तो यहां पर देखिए अगर मैं एक और वेक्टर ड्रॉ करता हूं, चलिए एक और वेक्टर ड्रॉ किया जाए, तो यहां पर ये हो गया एक और वेक्टर, चलिए इसे नाम दे देते हैं, ये हो गया वेक्टर डी, वेक्टर डी। और एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, तो एक और वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया यहां पर, ये है वेक्टर ई, इसका डायरेक्शन देखिए ऑपोजिट है। तो यहां पर आप देखें कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी के साथ कोलिनियर है, ऑब्वियस सी बात है इसके साथ भी कोलिनियर होगा, और चूंकि वेक्टर बी है ये वेक्टर डी के साथ कोलिनियर है, तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए भी वेक्टर डी के साथ कोलिनियर है, उसी लॉजिक से इसके साथ भी वो कोलिनियर है। कौन? वेक्टर ए और वेक्टर डी, भले ही एंटी पैरेलल हो जाए लेकिन कोलिनियर है। सो कोलिनियर होने के लिए दो शर्त में से कोई एक शर्त पूरा होना चाहिए, या तो दो वेक्टर सेम लाइन में या फिर पैरेलल लाइन में एक्ट होंगे। अब यहां से अगर आप देखें पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इन सब में से आप अगर ए को देखें, बी को देखें, डी को और फिर से इसे इसी बी को अगर देखें, तो इनका जो डायरेक्शन है वो सबका सेम है और ये सारे पैरेलल लाइंस में एक्ट कर रहे हैं। चूंकि डायरेक्शन सेम है इनका, इसीलिए ये सारे पैरेलल वेक्टर्स के कैटेगरी में आएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि कुछ सेट्स जो कि पैरेलल वेक्टर्स के कैटेगरी में आएंगे वो है वेक्टर ए और वेक्टर बी, और एक सेट मैं लिख रहा हूं यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर डी, ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे। और भी सेट हमें मिलेगा पैरेलल वेक्टर्स का जो कि मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, आपको यह पता लगाना है कि और भी कौन सा सेट ऐसा है जो कि पैरेलल वेक्टर्स हैं।
और आप मुझे कमेंट में बताएं। अब चलिए देख लेते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स यहां पर कौन कौन है। तो एंटी पैरेलल होने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो कोलिनियर होना होगा। कोलिनियर मतलब ये सारे कोलिनियर्स हैं, भले ही सेम लाइन में एक्ट न करे, पैरेलल लाइन में तो एक्ट कर रहा है। तो इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करे तो पैरेलल वेक्टर्स होंगे, अगर ओपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। एग्जांपल के तौर पे देख ले, वेक्टर ए और वेक्टर सी एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, वेक्टर ए और वेक्टर सी का हमें एक सेट मिलेगा जो कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। उसी तरह से आप देखें, वेक्टर ए और वेक्टर ई का एक सेट हमें मिलेगा। ये दोनों को अगर कंसीडर करें तो आप ये पाएंगे दोनों पैरेलल लाइंस में एक्ट कर रहे हैं तो कोलिनियर वेक्टर हो गए, सेम डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा तो पैरेलल वेक्टर नहीं होंगे ये। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर ई का हमें एक सेट मिला जो कि है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। उसी तरह से आपको और भी सेट्स मिलेंगे। यहां पर एक और सेट मैं बता देता हूं आपको, यहां पर वेक्टर डी और वेक्टर सी को भी आप कह सकते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। सो वेक्टर डी और वेक्टर सी एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। आपको बताना है यहां से खोज के कि और भी ऐसे कितने कितने सेट्स हैं जो कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, और आप मुझे कमेंट में बताएं। तो इस वीडियो को यहीं खत्म किया जाए, आगे के वीडियोस में हम और भी ऐसे ही तरह तरह के मुद्दों पे बात करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।